हेलो दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी भाई ने नई गाड़ी परचेस की है इको, और उसका तो इंश्योरेंस तो होता ही है नई गाड़ी का, अगर धोखे में कहीं भी वो गाड़ी टकरा जाती है पीछे से या आगे से, गाड़ी के बॉडी पे कहीं स्क्रैच आ जाते हैं, तो जो जब गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आते हैं बॉडी पर, तो उसकी पॉलिश हट जाती है, तो गाइस गाड़ी एकदम भद्दी भद्दी लगने लगती है, बेकार लगती है एकदम। माइंड पूरा ख़राब हो जाता है कि नई गाड़ी और बॉडी पे पूरे पे स्क्रैच हो चुके हैं और आगे भी स्क्रैच हो चुके हैं, तो गाड़ी एकदम बेकार लगती है। तो गाइस वो मेरे साथ हुआ है और मैं आपको बताऊंगा अभी बाहर निकल के गाड़ी के। तो गाइस उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा, सलाह दूंगा कि आप कभी भी बाहर से पेंट ना कराएं गाड़ी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि जो गाड़ी का ओरिजिनल पेंट होता है उस पॉइंट पेंट को पूरा हटाने के बाद ही वो अपना पेंट डालते हैं और मुमागी कीमत भी मांगते हैं। तो गाइस मैंने 2-3 बार ट्राई किया है मार्केट में, 2-3 जगह पर, और किसी ने 1500 बताया तो किसी ने 2500 बताया, और हमने उनसे ही बोला कि हम कैसे ट्रस्ट करें कि ओरिजिनल ही पेंट होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई हम जब आपसे मुमांगी रकम मांग रहे हैं तो आपको पेंट भी ओरिजिनल ही करके देंगे। तो गाइस अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है उसका, उस पर आप क्लेम कर सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ है बट कोई बात नहीं, लेकिन पॉलिश चली गई गाड़ी की तो उससे क्या, गाड़ी पूरी बेकार लगती है। लोग कहते हैं अगर बड़ी कोई ट्रेजेडी हो जाती तब उसके बाद क्लेम करते हैं, तो गाइस ऐसा नहीं है, पॉलिश की बात है। तो आपकी कंपनी में गाड़ी जाएगी, 2-3 दिन के लिए गाड़ी जमा हो गई आपकी, और कंपनी वाले उसको पूरा रिपेयर करके देंगे, डेंटिंग पेंटिंग जो भी होगा। बस आपका खर्चा आएगा 1000 रुपये, वो भी फाइल चार्ज का। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी गाड़ी के ऊपर, अगर नई गाड़ी है तो गाड़ी गाड़ी के ऊपर बाहर से पेंट ना कराएं, ना किसी मैकेनिक से पेंट कराएं। तो गाइस मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कंपनी में जाकर ही गाड़ी पर पेंट कराएं, जो भी आपका वहाँ पे खर्चा आएगा वो आपका वो बता देंगे। अगर क्लेम करना है तो क्लेम के ऊपर कम खर्चा आएगा, और अगर क्लेम नहीं करना है तो गाड़ी पे जो पेंट होगा कंपनी में वो होगा 5000, यानी 5000 रुपये का ओरिजिनल पेंट होगा। तो गाइस मतलब ये 1500 बता रहे हैं बाहर के लोग और कोई 2500 बता रहे हैं, कंपनी में इसके रेट ज़्यादा है 5000 रुपये, लेकिन कंपनी की लोग गारंटी देंगे और गारंटी हमें मतलब गारंटी मिलेगी जब पेंट करेंगे तो गारंटी देंगे। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा और चलते हैं अब गाड़ी के बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी पे कहाँ पे स्क्रैच हुए हैं पीछे और आगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बन रही है, और भाई जो लोग नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दोस्तों ये रहा हमारे गाड़ी के बैक साइड का हिस्सा, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये कहाँ पे डैमेज हुआ था और ये किस कैसे डैमेज हुआ था, अभी ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो गाइस ये दिख रहा है आपको, ये जो चपट दिख रही है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ये लाइन बन गई है धूल की। तो गाइस ये मैं चला रहा था गाड़ी जब मैं नया नया मतलब सीखा हुआ था गाड़ी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और ये पीछे खम्मा लगा हुआ था हमारे लेफ्ट साइड में, और उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था गाड़ी चलाने का, तो गाइस खम्मे भी जाके ये गाड़ी टकरा गई थी इस तरह। तो गाइस तब से ये स्क्रैच आ चुका है और चपटी भी हो चुकी है पीछे, आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस ये इसकी जो पेंट गई है ये भी इस पर पॉलिश होगी, और इसकी जो चपट है वो भी उठाई जाएगी एजेंसी पे, मतलब जहाँ पे वर्कशॉप है कंपनी में। तो गाइस ये रहा पीछे का हिस्सा, अब दिखाते हैं आपको, मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट का। तो गाइस ये रहा फ्रंट का हिस्सा। गाइस आपको ये लाइनें दिख रही होंगी, 1 2 3 4 और इसके आगे 5 6 7 8 10 जगह पे, 8 10 जगह पे ये लाइनें बनी हुई है। ये लाइनें हैं जो तार होते हैं अपने खेतों में देखे होंगे चारों तरफ से, जो कटीले तार लगाए जाते हैं उन तारों में जा करके ये कार टकराई थी, और ये तार इस बोनेट के ऊपर आ गए थे, और जब गाड़ी पीछे ली गई तो इस उन तारों से ये लाइनें बन गई, मतलब इसकी जो पुटीन होती है वो निकल चुकी है, आप देख पा रहे होंगे ये। तो गाइस मैंने मार्केट में दिखाया और उन्होंने बोला कि ये पूरा पेंट जो आपका है बोनेट का, ये पूरा हम हटाएंगे उसके बाद नया वाला पेंट करेंगे। तो गाइस वो मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि ओरिजिनल पेंट है और इसकी वैल्यू है, बट जो पेंट हम इसके बाद कराएंगे उसकी वैल्यू नहीं है,
तो गाइस आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी बाहर से पेंट ना कराएं, और कभी भी गाड़ी चलाएं तो सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। खैर ये जो आपको आगे स्क्रैच दिख रहे हैं ये मेरे से नहीं हुए, ये दूसरे बंदे से हुए हैं। चलो लेकिन खैर गलती तो सभी से होती है, बट अब झेलना पड़ेगा। तो गाइस बस इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बताया, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ दोस्तों। बस आज के लिए इतना, और जिस दिन हम कंपनी में जाएंगे उस दिन मैं जब डेंटिंग पेंटिंग कार पे होगी उसका वीडियो मैं बना के डालूँगा, तो आप देख लेना। तो आप वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। जय हिंद।